हर सुबह अपने साथ एक उम्मीद की किरण लेकर आती है, पर अनफॉर्चुनेटली इस आशा की किरण को दबाने वाली फेक न्यूज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा ही है। पर घबराइए नहीं, मैं हूँ मिथिका दत्त। वेलकम टू फेक और नॉट, वो शो जहाँ फेक स्टार्स की कोई जगह नहीं, चाहे वो लोग हों या न्यूज। अगर आप इस सच की लड़ाई में नए हैं तो आपको बता दूं, मैं आपसे पूछूंगी 5 सवाल जिसके आपको देने हैं सही जवाब। सही जवाब देने पर आप जीतेंगे ढेर सारे इनाम। तो शुरू करते हैं। मेरी लाइफ में दो लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता, पू फ्रॉम K3G एंड विनी द पू फ्रॉम विनी द पू। दोनों पू से मैंने यही सीखा है कि कपड़े बैकलेस हो या बॉटमलेस, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे ही जीनी चाहिए। तो मुझे मेरा पहला सवाल पूछने में चाइना के वासियों के लिए थोड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि विनी द पू चाइना के इंटरनेट पर बैंड है। फेक या नॉट फेक, विनी द पू जैसे क्यूटी कल्चरल आइकॉन को कोई कैसे बैन कर सकता है? और मुझे तो पता ही नहीं था कि फिक्शनल करेक्टर भी बैन हो सकते हैं। अगर बैन ही करना था तो वोल्डेमॉर्ट या सूटनका को बैन कर देते। दोनों की खुद की नाक ना होने की इनसिक्योरिटी में उन्होंने सबके नाक में दम कर रखा था। खैर, समय आ गया है आपको आज का पहला जवाब बताने का। ये न्यूज है टोटली नॉट फेक। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को विनी द पू से कंपेयर करके चाइना के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे थे। देखते ही देखते जी जिनपिंग के कार्टून मीम्स भी बाकी प्रेसिडेंट्स के साथ इंटरनेट पे वायरल होने लगे। पर साथ में US के ओबामा हो या जापान के शिंजो, जी जिनपिंग को हमेशा इन मीम्स में पू की ही भूमिका मिलती थी, और ये चाइनीज गवर्नमेंट को बिल्कुल भी रास ना आया। तो 2018 में चाइनीज सेंसर ने मूवी क्रिस्टोफर रॉबिन पर बैन लगा दिया था, जो थी विनी द पू पर निर्धारित। और तो और चाइना ने HBO की वेबसाइट भी ब्लॉक कर दी थी, क्योंकि उस पे ब्रिटिश कॉमेडियन जॉन ऑलिवर चाइनीज प्रेसिडेंट की खिल्ली उड़ाते थे। ये चाइनीज गवर्नमेंट तो इंडियन गवर्नमेंट से भी ज्यादा टची निकली। खैर, आगे बढ़ते हैं। आई नो इंडिया में हम भी टिकटॉक बैन के सदमे से उभर रहे हैं, पर एटलीस्ट आज भी छोटा भीम हमारी जिंदगी में खुशी ला पा रहा है। #blessed। मुझे चोरों से सख्त नफरत है, खास करके उन चोरों से जो आपकी कोई अनमोल चीज आप ही के नाक के नीचे से ले जाकर निकल जाते हैं। जैसे मेरी पड़ोसी पिंकी रोज मेरा वाईफाई चुरा लेती है और मैं अपने वीडियोस को डफरों की तरह बफर करती रह जाती हूँ। आज का अगला सवाल भी एक चोरी के बारे में है, और कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं, एक ऐतिहासिक चोरी। सवाल यह है कि UK ने इंडिया को तकरीबन 40 साल पहले चुराई हुई एक 15th सेंचुरी की राम मूर्ति वापस लौटाई। फेक या नॉट फेक, 40 साल बाद कुछ लौटाया, और एक ये गणेश को देख लो, एक साल से मेरा फिटबिट हड़प के बैठा है और लौटाने का नाम ही नहीं दे रहा। वैसे इंग्लैंड की फॉर्मर रानी का ताज आज भी इंडिया के कोहिनूर से ही चमकता है। anyway, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे इग्नोर करें और सही जवाब पे गौर फरमाएं, क्योंकि आज की ये खबर है टोटली नॉट फेक। हाल ही में ब्रिटिश पुलिस ने इंडियन हाई कमीशन को लंदन में ऐसी 3 मूर्तियां लौटाई जो डेट बैक करती हैं 15th सेंचुरी AD तक। ये थी राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां, जो तमिलनाडु के एक मंदिर से 1978 में, यानी कि 40 साल पहले चोरी हो गई थी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद पटेल ने ये इन मूर्तियों की लंदन में हैंडिंग ओवर सेरेमनी वर्चुअल अटेंड की। मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के अनुसार ये स्कल्पचर अनमोल है, क्योंकि ये इंडियन मेटल आर्ट के मास्टरपीसेस हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर कोई तुमसे दूर चले जाए तो उसे जाने दो, अगर वो लौट कर आए तो वो तुम्हारा है। यार, मैं तो दिन भर बंटी की तरह स्लोली स्लोली हाथ धोती रहती हूँ। अब तो मेरे हाथ इतने साफ हो गए हैं कि मुझे डर है कि मेरा खुद का फोन शायद मेरे फिंगरप्रिंट्स ना पहचाने। कोरोना के चलते आजकल कभी भी एक इनोसेंट सी छींक भी आ जाती है तो दिल डगमगा जाता है। और दुख की बात तो ये है कि इस स्टूडियो में मुझे कोई गॉड ब्लेस यू बोलने के लिए भी नहीं है। हमारा अगला सवाल 2020 के ग्रेटेस्ट फियर छींक के बारे में है। सवाल है, जब आप छींकते हो तो एक सेकंड के लिए आपका दिल रुक जाता है, फेक या नॉट फेक। जैसे मेरी लव लाइफ चल रही है, शायद एक छींक ही मेरे दिल की धड़कन पे कोई असर कर पाए। वैसे ऐसी बात नहीं है, राजू भैया के गोलगप्पे खा के मेरा दिल खुशी से थोड़ा थम जाता है। याद है वो जमाना
जब हम दोस्तों के साथ चाट खाने जाया करते थे और कैसे बेझिझक लिफ्टों के बटन दबाया करते थे। इससे पहले कि मैं अपनी भावनाओं में बह जाऊं, आइए जानते हैं जवाब। ये न्यूज है टोटली फेक। ये एक बहुत ही पॉपुलर अफवाह है कि छींकने से एक सेकंड के लिए दिल रुक जाता है। ऐसा होता तो वो हार्ट ना हुआ वोडाफोन का नेटवर्क हो गया कि कभी भी आउट ऑफ सर्विस हो जाता है। छींकने से ऐसा हो सकता है कि आपकी हार्ट रेट अफेक्ट हो, पर आपका हार्ट सही सलामत चलता रहेगा। अगर बचपन में साइंस क्लास में ध्यान लगाया होता तो आपको पता होता कि हमारे हार्ट में एक बिल्ट इन पेसमेकर है जिसका काम है हमेशा एक रेगुलर हार्ट बीट मेंटेन करना। जैसे मेरा भी तो काम यही है, आपको हमेशा फेक न्यूज से बचाए रखना। आई एम योर हार्ट, यू हार्ट में यू आर वेलकम। 2020 में हम सब गए हैं हिल, मीनवाइल मदर नेचर हो रही है हील। इसी का नतीजा है कि दिल्ली में लोगों को सड़कों पर पीकॉक्स दिखे और नवी मुंबई में भी बहुत सारे फ्लेमिंगोज नजर आए। और सिर्फ मुंबई और दिल्ली ही नहीं, पूरे विश्व में आज की डेट में सबसे ज्यादा मजा पशु पक्षियों को ही आ रहा है। हमारा अगला सवाल भी मदर नेचर से ही रिलेट है। खेतों में अब बत्तख कर रहे हैं पेस्ट कंट्रोल, फेक या नॉट फेक? मुझे हमेशा से लगता था कि मिकी और मिनी डोनाल्ड डक का थंडर चुरा लेते हैं। क्या सालों के सेपरेशन के बाद डक कम्युनिटी अब अपना जलवा दिखाने के लिए सामने आ रही है? आइए पता करते हैं। तो ये बतख की न्यूज है टोटली नॉट फेक। एक रिसेंट ड्रोन वीडियो के मुताबिक 10,000 डक्स को थाईलैंड के एक राइस फार्म में खुला छोड़ा गया हार्वेस्ट को पेस्ट से बचाने के लिए। फार्मर्स ने पाया कि हार्मफुल केमिकल्स और महंगे पेस्टिसाइड से बेहतर है कि डक्स नेचुरली उनके खेतों के वर्म्स, इंसेक्ट और स्नेल टाइप की चीजें खा लें। इन डक्स को लगभग 5 महीने के ऑफ सीजन में खेतों में खुलेआम घूमने दिया जाएगा। ये डक ब्रीडर्स के लिए अपनी डक्स को पेट भर खाना खिलाने का भी एक आसान तरीका है। किसी ने सच ही कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अनलाइक गिरीश, चॉकलेट ने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, चॉकलेट मोदक, मैं हर रूप में चॉकलेट की दीवानी हूँ। और अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको चॉकलेट पसंद ही नहीं है तो उस पर कभी भरोसा मत करना। लाइफ में ऐसी नेगेटिविटी किसको चाहिए, जस्ट गेट लॉस्ट। आज का अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग और चॉकलेटी है। किटकैट का एक ग्रिल्ड पोटैटो फ्लेवर भी आता है, फेक या नॉट फेक? आज मैं अपने दिल का एक दर्द बांटना चाहूंगी। मैंने उस दिन इंटरनेट पे देखा सांबर पिज्जा। सांबर पिज्जा फ्यूजन फूड है कि कंफ्यूजन फूड? पर ये ग्रिल्ड पोटैटो वाली किटकैट दिलचस्प लग रही है। वो टेस्ट कैसी करेगी, मेरे जैसी स्वीट या गिरीश जैसी सॉल्टी? आई डोंट नो। तो मेरे स्वीट टीथ से भरे स्वीट माउथ से जवाब सुन लो, ये न्यूज है बिल्कुल नॉट फेक। किटकैट जापान में बहुत लोकप्रिय है। बेसिक फ्लेवर्स के अलावा भी जापान में काफी नॉन चॉकलेट फ्लेवर्ड किटकैट भी आसानी से मिलती हैं। वहाँ के लोग इसे गिफ्ट के तौर पे देना पसंद करते हैं। और इसी क्रेज का फायदा उठाते हुए नेस्ले ने और यूनिक फ्लेवर्स लॉन्च किए हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ग्रिल्ड पोटैटो किटकैट। वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं लग रहा, आलू है ही इतना वर्सिटाइल, जिसमें भी डालो उसी का होके रह जाता है। इसके साथ साथ खत्म होता है एक और फेक और नॉट का एपिसोड। हमेशा की तरह गलत न्यूज पर सच की रोशनी डालने में बड़ा मजा आया। मजा तो आपको भी आएगा अगर आपने दिए हैं मेरे 5 सवालों के सही जवाब, क्योंकि बहुत इनाम जीतने वाले हैं आप। स्क्रीन पे नीचे ये बटन दबाइए और अपने तोहफे कबूल कीजिए। मैं चली और फेक न्यूज ढूंढने, जिसको हम साथ मिलके तहस नहस करेंगे। बाय।